बांग्लादेश में तगड़ी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़कर जो शेख हसीना अपनी जान बचाकर भाग निकली थीं, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाने लगा है। अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर बांग्लादेश ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है, जिसमें शेख हसीना पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर एक किराना दुकानदार की हत्या का आरोप है। दुकानदार की मौत एक गोलीबारी में हुई थी। दरअसल 19 जुलाई को राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर में शेख हसीना सरकार ने छात्र आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया था, लेकिन जब हालात और बिगड़ गए तो पुलिस को उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। इसी भगदड़ में पुलिस की एक गोली एक शख्स अबू सईद को लग गई। अबू सईद एक दुकानदार था। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक वो उस वक्त हंगामे वाली जगह से होकर गुजर रहा था कि तभी वो पुलिस की फायरिंग का शिकार हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस ने इस मौत के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। अन्य आरोपियों में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, डिटेक्टिव ब्रांच के पूर्व चीफ हारूनोर रशीद, DMP पुलिस के पूर्व आयुक्त हबीबुर रहमान के साथ पूर्व DMP संयुक्त आयुक्त विप्लव कुमार सरकार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। चर्चाओं के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में हुई इस मौत में पूर्व प्रधानमंत्री समेत इतने आला अधिकारियों को आरोपी बनाया जाना किसी बदले की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि भारत की शरण में आई शेख हसीना अब मौजूदा हालातों में शायद ही बांग्लादेश लौटना चाहें, क्योंकि जिन गंभीर आरोपों में उनको घेरा गया है उसमें उन्हें आजीवन कारावास या इससे भी बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। लिहाजा माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश लौटने का विचार फिलहाल छोड़ सकती हैं। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि भारत की ओर से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा और डिप्लोमेटिक व प्रोटोकॉल नियमों के हिसाब से उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। पहली चर्चाएं इस तरह की भी थीं कि वो किसी यूरोपीय देश में शरण ले सकती हैं, जिसे बाद में उनके बेटे ने खारिज कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।